नशे की खेप जब्त हुई है, 20 टन हेरोइन जब्त हुई है। दिल्ली पुलिस ने इसको जब्त किया है। इसकी कीमत 1725 करोड़ बताई जा रही है। ये कंटेनर एक साल से पोर्ट पर ही था। ये बड़ी खबर है। ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप का खुलासा कुछ दिन पहले पकड़े गए दो अफगानी नागरिकों से पूछताछ के दौरान हुआ था। ये तस्वीरें देखिए, 1725 करोड़ रुपए कीमत की हेरोइन बरामद हुई। एक साल से बंदरगाह पर ही एक कंटेनर रखा हुआ था जिसके अंदर 20 टन हेरोइन भरी गई थी। 1725 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही थी। अफगान नागरिकों से जब पूछताछ हुई तो उसके बाद खुलासा हुआ और उसके बाद इस कंटेनर को जब्त किया गया जिसमें से 20 टन हेरोइन जब्त कर ली गई है। 16 तारीख को, चार दिन पहले, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में, नाव सेवा में, हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी। और अभी तक की जो एस्टिमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वजन था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेशन है 1.5% बाय वेट, विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट, वो सीज करी गई है। जो पूरा कंटेनर था उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारी टीम यहाँ लेके आई है। बकायदा इसको कस्टम्स अथॉरिटी ने ड्यूली एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ा सीजर है। और राजू राज इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजू, एक साल से कंटेनर रखा हुआ था, अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया और दिल्ली पुलिस को जाकर इस कंटेनर को जब्त करना पड़ा। बिल्कुल राम, दिल्ली पुलिस को तब इस बारे में जानकारी मिली कि जब 6 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दो अफगानी नागरिक को पकड़ा था और उनसे भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए थे। ये ड्रग्स का जो रूट था अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान और ईरान से दुबई और दुबई के बाद भारत, और जब भारत आता था तो अलग अलग पोर्ट के जरिए हिंदुस्तान में लाया जाता था, उसके देश के अलग राज्यों में भेजा जाता था। इनसे लगातार पूछताछ की गई और उसके बाद जानकारी मिली कि मुंबई के जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वहां पर एक कंटेनर रखा हुआ, उस कंटेनर में लगभग 20 टन मुलेठी रखे और मुलेठी के अंदर जो कोटेड ड्रग्स है यानी 345 किलो ड्रग्स उसमें थे। उसके बाद उस कंटेनर को लाया गया और उसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1725 करोड़ रुपए का ये ड्रग्स एक साल से रखा हुआ था जिसको दिल्ली पुलिस ने जाकर